ये देखो भाई, इसी के बारे में बोल रहे थे, पूरा 45 डिग्री। वाह तेरी लिया लिया लिया, लिया रे। ये देखो यार, गड़बड़ा गया, कहाँ गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं वृंदा वाटरफॉल, जो कि कोटा में स्थित है। दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारे साथ तीन को ही है, हम लोग तीनों को घूमने के लिए जा रहे हैं, जो कि मेरे दो भाई हैं। दोस्तों वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों टाइम टाइम पर आपको इस तरह का मज़ेदार ब्लॉग देखने को मिलता ही रहेगा। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं, आपको लेकर चलते हैं वृंदा वाटरफॉल, जहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों हम धीरे धीरे रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव भी मिले, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा, सामने कुदरत के द्वारा बनाया गया प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखने को मिला। हम इसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम वृंदा वाटरफॉल से कुछ दूरी पर हैं, जल्द ही हम वृंदा वाटरफॉल पहुँच जाएंगे और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, आपका फिर से स्वागत है कृष्ण शर्मा ब्लॉग में। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं वृंदा वाटरफॉल, काफ़ी अच्छा जगह है। यहां पे आते आते रास्ता तो यहां बहुत मतलब एक तरह से मुश्किल है, खड़ा चढ़ाई, खड़ा ढलान है, और इधर भी आपको मैं दिखा दूँ कि इधर भी खड़ा ढलान ही है। अभी हम लोग इधर से पैदल ही उतरेंगे, आप देख रहे होंगे पूरा खड़ा ढलान है इधर, और हम लोग अभी इधर से आए। इधर का रास्ता काफ़ी मतलब घाटी के जैसा है। दोस्तों फाइनली तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ है मेरे बड़े भैया और इधर मेरे भाई है, ये देखिए इधर खड़ा है, और हम लोग भी नीचे जाने का ही प्लान कर रहे हैं, नीचे ही जाएंगे। तो आइए चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं नीचे का नज़ारा कैसा होता है, आपको पूरा विस्तार से सारा कुछ बताएँगे, हर बात बताएँगे विस्तार से, और आपको जो भी यहाँ का जो सीन होगा वाटरफॉल का आपको बहुत अच्छा से दिखाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तब तक। तो हम नीचे जाते हैं। दोस्तों अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, आपको मैं दिखा दूँ अपना कैमरा घुमा के, चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ से घिरा हुआ है। दोस्तों अभी हम फिलहाल यहाँ से नीचे ही जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और नीचे थोड़ा इधर काम चल रहा है, रास्ता बनाने का काम चल रहा है। आपने देखा ही होगा पीछे नया नया ये रास्ता कोड़ा हुआ है बीच बीच में। दोस्तों आपको दिखा दे कि इधर जेसीबी से काम चला रहा है, जेसीबी मशीन से, देखिए दोस्तों। दोस्तों अभी हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ मेरे हाथ में हेलमेट है और वाटरफॉल के पास जाके बात करते हैं। अभी इधर बहुत डस्ट उड़ रहा है तो कैमरा हमको रखना पड़ेगा बंद करके अभी। दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर से उतर चुके हैं और जैसे ही मशीन को पास कर चुके हैं। दोस्तों यह जगह काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे मौजूद, यहाँ पर मस्ती कर रहे होंगे, और अभी हम लोग भी जा रहे हैं मस्ती करने के लिए ही। अभी यहाँ से पानी का आवाज़ बहुत काफ़ी ज़ोर से आ रहा है,
आप तक आवाज़ पहुंचता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन पानी का आवाज़ मुझे तो सुनाई दे ही रहा है। दोस्तों हम तो नीचे आ चुके हैं, हमारा जो बाइक है वो ऊपर ही है, गाड़ी नीचे तक आता है लेकिन अभी रास्ते में काम चल रहा, आपने देखा ही होगा, तो इसलिए हम लोग गाड़ी को ऊपर ही हम लोग को रखना पड़ा। और यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, स्पेशल छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों, आप भी आ सकते हैं। और दोस्तों आते वक्त हमें आते आते कुछ रास्ते भी ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते मिले, तो अगर आप आना चाहते तो ज़रा संभल कर आइएगा, अच्छे से आइएगा। दोस्तों मैं बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना सारा पानी बह रहा है यहां से, और पानी का झरना मेरे ये साइड है, पीछे साइड है, अभी मैं उधर जाऊँगा तो आपको सारा व्यूज़ दिखाऊँगा यहाँ से, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो यहाँ पर अच्छे से संभल के रहें, और अपने परिवार के साथ आते तो अपने परिवार को, बच्चों को अच्छे से संभाल कर रखें, अच्छे से केयर करें यहाँ पे खास करके, क्योंकि यहाँ इससे पहले काफ़ी ज़्यादा घटना घट चुका है। एक बार तो आपने सुना भी होगा ये न्यूज़ कि बिहार के दो युवक यहाँ पे डूब गए थे, उसमें से एक ही बचा, एक पानी में लापता हो गया कहीं पर। दोस्तों मैं यही कहूँगा यहाँ पर जब भी आइएगा अच्छे से आइएगा, अपने फैमिली के साथ आते तो सबका अच्छे से ख्याल रखिएगा और ध्यान दीजिएगा पानी में ना जाए। दोस्तों ये जगह तो काफ़ी अच्छा है, आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो नदी है यहाँ पे जो पानी बह रहा है ये सारा झील का पानी है, झील का पानी लगातार इसी में बहता रहता है, और जब यहाँ पे बरसात आती है तो ये नदी काफ़ी भर जाता है। आपको जितना भी हम जहाँ पर अभी चल रहे हैं वहाँ का अगल बगल जो भी जगह दिख रहा है सारा पानी से भरा होता है बरसात के टाइम में। और दोस्तों आप यहां अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, कुदरत ने भी क्या इसे बनाया है, देख के मज़ा ही आ गया। दोस्तों मैं बिल्कुल झरने के सामने खड़ा हूँ, अभी मैं आपको झरना का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पीछे पूरा ये बड़ा सा झरना आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ऊंचा से पानी गिर रहा है और पीछे कुछ लड़के युवक नहा रहे हैं, उसमें मस्ती कर रहे हैं, हम लोग भी यहीं पे खड़ा है, हम लोग आगे तक जाएंगे, पीछे से देख रहे होंगे काफ़ी लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए, और हम लोग से इधर ही हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में रहिएगा, आपको यहाँ का एक अच्छा सा व्यू आपको दिखाते हैं।
इधर जो पानी जो ऊपर से गिर रहा है, इधर काफ़ी पानी जमा हुआ है। तो दोस्तों मैं तो आपको बस इतना बोलूँगा कि अगर यहाँ पर घूमने के लिए आप आते तो यहाँ पर नहाने का बिल्कुल मत सोचिएगा, यहाँ पर आइए, मस्ती कीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए, वीडियोज़ बनाइए और घर चले जाइए। लेकिन नहाने का मैं आपको नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आके आप नहाइए मस्ती कीजिए। और दोस्तों यहाँ का सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपका फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क पहले ही कट जाता है आपके फ़ोन में। अभी मेरे फ़ोन में आपको दिख रहा होगा नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर में लिखा होगा इमरजेंसी कॉल, नो नेटवर्क चेंज, कुछ नेटवर्क है ही नहीं इसमें। अगर आप किसी को फ़ोन भी करना चाहते हो तो आप ऊपर से ही कर दें, यहाँ पे आने के बाद ना करें, फ़ोन यहाँ से लगेगा ही नहीं, ऊपर से आप फ़ोन कर सकते हैं, पहले ही घर में इन्फॉर्म करना है, कहीं भी इन्फॉर्म करना है तो ऊपर से ही कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको नीचे जा कर दिखाता हूँ, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इधर सिर्फ बालू ही बालू है और पानी दोस्तों इधर से निकल रहा है धीरे धीरे कर करके, और पीछे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, हम लोग उधर जाएंगे नहीं, रास्ता सही नहीं है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। दोस्तों इधर रहा मेरे पीछे वाटरफॉल, बृंदा वाटरफॉल इसे कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ खुद पहली बार आया हूँ घूमने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं था, तो आज सोचा कि चलो आते थोड़ा घूम के इधर से भी। ये दो लोग हैं जो कि मुझे काफ़ी परेशान किया वीडियो लेने में, पहला ये देखिए अभी वीडियो कवर ही कर रहा है, और इधर दौड़ रहे हैं, सॉरी इधर कुछ एक्टिविटी शूट हो रहा है। दोस्तों हम लोग फाइनली वहां से निकल चुके हैं वाटरफॉल से घर के लिए, काफ़ी शाम होने चला है और घर भी जल्दी जाना है। दोस्तों आप देख सकते हो इधर रास्ता बन रहा है, अगर आप अगले बार आते हैं रास्ता बनने के बाद तो आपका गाड़ी जो व्हीकल किसी भी व्हीकल से आप आते हैं तो व्हीकल कम्प्लीटली पूरा आपके झरना तक जा सकता है। ये झरना का टॉप का सीन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ऊपर का सीन मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा होगा, अगर दिख रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मुझे दिख रहा है। दोस्तों हम लोग को भी ये पूरा चढ़ाई ऊपर चढ़ना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप अकेले कभी इधर आए नहीं, जब आए तब किसी को साथ में लेकर ही आए। दोस्तों फाइनली हम झरने के ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी खड़ा चढ़ाया था, हम थक गए पूरा चढ़ते चढ़ते, बहुत ही खड़ा चढ़ाया था इसलिए थक गए। और दोस्तों शाम हो रहा है, हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे तुरंत, हमने काफ़ी मस्ती भी किया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी आए तो अभी तो हम लोग को गाड़ी यहीं पे खड़ा करना पड़ा क्योंकि नीचे रास्ता बन रहा था, तो अगर आप कभी आते हैं तो गाड़ी अगर यहाँ पे खड़ा करने का वैसा मतलब कंडीशन रहता है यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के लिए, तो आप गाड़ी का हैंडल ज़रूर लॉक कर लें, काफ़ी गाड़ी पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मतलब लोकल लोग ऐसे हैं ना कि हो सकता है कुछ भी घटना हो सकता है आपके साथ, इसलिए यहाँ पे जल्द यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश कीजिएगा, जंगल में ज़्यादा देर तक टाइम मत बिताइएगा। और अगर गाड़ी आप नीचे तक ले जा सकते हैं तो फिर सही है, आप गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट हो रहे हैं, हमारा बाइक ऊपर में, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का बाइक चोरी हो जाएगा, तो हम लोग हड़बड़ी में ऊपर आए और फिर देखें गाड़ी सब सही था। सब हो रहा है यार, ये देखो भाई इसी के बारे में बोल रहे थे, पूरा 45 डिग्री, वाह तेरी क्या लिया लिया लिया, रे 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 ये देखो यार गड़बड़ा गया, कहाँ गया गाड़ी में, हालत खराब, आएगा आएगा गियर कम कर, रोक रोक जल्दी चल आगे चल आगे चल आगे चल आगे ए बैठ ले यार, सर ना खींचता ससा हुई तो बैठ घिसते ना देख लो भाई ग्लैमर का ये हाल है कि ड्राइवर का हाल है का पता
गाड़ी तो बढ़िया है यार। ले ले। एक गियर कर ले यार।